ठीक है, एनी वन ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स, अगर कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया इफ एल्स या फिर एलिफ में, तो आप पूछ सकते हो अभी। उत्तम अनम्यूट करो। हेलो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं है, तो मैं इसको यही समझता हूँ ओवरऑल कि आप लोगों को इफ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्लास के एंड में मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप क्वेश्चन का आंसर करना इफ एल्स से रिलेटेड। अभी थोड़ा मैं रिवीजन कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड लुपिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। सर, मतलब सिलेबस नहीं बता स्पेशली रहे सी सर। सिलेबस क्या है आईपी का? का सिलेबस क्या है, कौन बोल रही है? मान्या, क्या पूछना यस चाहते सर, हो सिलेबस में, क्या पूछना चाहते हो? एग्जाम अभी एग्जाम होगा ना ऑफलाइन, उसका के बारे में बात सिलेबस। करना चाहते हो। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ। देखो ओवरऑल अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है और नंबर ऑफ टॉपिक डिडक्ट कर दिया गया है सिलेबस से, तो जो ओवरऑल टॉपिक आ रहा है आपका, सबसे पहला है आईपीओ, दैट इज अ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसमें आईपीओ सिर्फ आपको पढ़ना है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और रिलेटेड डिवाइसेस, जैसे इनपुट यूनिट में कौन से डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग में कौन कौन से डिवाइसेस हैं, आउटपुट यूनिट में कौन कौन से डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको, इसके अलावा आपको जो टॉपिक पढ़नी है, ये नंबर वन है आपका, जो इसेंशियल है, और ऑलरेडी इसमें नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन पहले से आपको प्रीवियस क्लास में भी दिया गया है, यानी क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। खैर, टॉपिक टू जो कि इसेंशियल है क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए, वो है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। बेसिकली इसमें आपका नंबर ऑफ टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जैसे कि कीवर्ड के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज कीवर्ड, व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज लिटरल आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, सेपरेटर्स, ईटीसी। ये आपका मेजर पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, चाहे आप पाइथन पढ़ो या सी सी प्लस प्लस पढ़ो या दुनिया का कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ो, दीज आर द बेसिक टॉपिक दैट यू शुड नो बिफोर राइटिंग द कोड। यानी पाइथन में कीवर्ड्स कितने हैं आपको जानने चाहिए, टोटल कितने कीवर्ड है तुषार बताएगा। तुषार, सर पार्टी में घूम रहा है क्या जी तुम? चलो कोई नहीं, ओवरऑल पाइथन में जो कीवर्ड्स हैं वो टोटल 33 33 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखोगे, हर एक लैंग्वेज का कीवर्ड डिफर करता है। जैसे अगर आप जावा पे पढ़ाई करते हो तो वहाँ 64 कीवर्ड है, अगर आप सी पढ़ते हो तो 32 कीवर्ड है। ठीक है, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ते हो 54 कीवर्ड, यानी हर एक का कीवर्ड अलग अलग होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को हमेशा से कहा है कि ऑलवेज यू हैव टू टेक केयर ओनली 27 कीवर्ड टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको पूरे कीवर्ड की जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी अ सिस्टमैटिक और वी कैन से दैट अ बिगनर बाय यूजिंग ओनली 27 कीवर्ड्स। ठीक है, तो 27 कीवर्ड्स में क्या क्या चीजें आती हैं? बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि इनपुट स्टेटमेंट के लिए कीवर्ड यूज होता है, आउटपुट स्टेटमेंट के लिए कीवर्ड्स यूज होते हैं, या फिर मेथड्स यूज करते हैं, या फिर आप किसी तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं वहां भी कीवर्ड होते हैं, जैसे भी इफ एल्स एलिफ देख रहे हो, दीज आर द कीवर्ड फॉर द कंट्रोल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक फॉर द सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अलावा इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसमें फॉर के बारे में पढ़ना है, व्हाइल के बारे में पढ़ना है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटा टाइप। बेसिकली पाइथन टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो इसमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज पाइथन हैविंग अ वेरी स्मार्ट इंटरप्रेटर लैंग्वेज दैट एक्चुअली आइडेंटिफाई योर डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल गिवन। ठीक है, ये सारे टॉपिक बताए गए होंगे आपको क्लास में कि कैसे आपका डेटा टाइप आइडेंटिफाई करता है।
जैसे कि बाय डिफॉल्ट अगर मान लो कि मैं कोई वेरिएबल यूज कर रहा हूँ लाइक ए, ठीक है, अब ए जो वेरिएबल है इट इज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग। कभी भी किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में जब आप कोई वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हो जहाँ डेटा टाइप आइडेंटिफाई नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। लेकिन जैसे ही आप उसकी इनपुट आइडेंटिफाई करते हो, जैसे मान लो ए इज इक्वल टू 10, तो ये हमारा एक ऐसा है इंटीजर है, दैट मीन्स कि ये जो डेटा टाइप इसकी होगी इस वेरिएबल की वो होगी इंटीजर। लेकिन जैसे ही .0 लगा देंगे तो अब इसकी डेटा टाइप हो गई फ्लोटिंग पॉइंट। लेकिन जैसे ही अगर इसके आगे सिंगल कोटेशन मार्क में कोई अल्फाबेट डालेंगे तो ये हो गया कैरेक्टर। अगर इसको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में ही अगर किसी का नाम लिख देते हैं लाइक रामू, तो ये हो गया स्ट्रिंग। तो क्योंकि पाइथन हमारा एक स्मार्टेस्ट लैंग्वेज है आज के डे में, ये सबसे फास्ट स्मार्टेस्ट लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो ए इज इक्वल टू 10 है और फिर कुछ स्टेटमेंट के बाद आप ए इज इक्वल टू 20.200 लिख देते हो, तो इसका सेंस क्या होता है कि ए जब 10 को आइडेंटिफाई कर रहा है तो वो उस समय इंटीजर है, लेकिन तुरंत बाद वो कन्वर्ट हो गया फ्लोटिंग पॉइंट में। इट कैन ओनली बी पॉसिबल इन पाइथन लैंग्वेज, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरल्स की। तो लिटरल्स क्या है, हमारे पास ऑलरेडी बताया गया है कि लिटरल्स इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यू और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यू टू स्टोर। और यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या करता है, लिटरल को स्पेसिफाई करता है कि किस तरह के डेटा आप स्टोर करने जा रहे हो, इंटीजर कर रहे हो, फ्लोटिंग पॉइंट कर रहे हो या उससे नहीं। तो आइडेंटिफायर, लिटरल एंड डेटा टाइप, अगर इन तीनों की बात करें तो ओनली थ्री है हमारे पास, इंट, फ्लोट, डबल, ये एक कैटेगरी में हो गया इंटीजर। इसके अलावा हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं या लिटरल यूज करते हैं जिसको हम कैर लिखते हैं शॉर्टकट में, इसके अलावा स्ट्रिंग। तो ये तीन तरह के हमारे पास डेटा टाइप, लिटरल और आइडेंटिफायर्स हैं जिसको कि यूज करते हैं टू होल्ड सम सेट ऑफ वैल्यू इन द मेमोरी। ठीक है, अब आप लोग पहले से ये जानते हो कि नॉर्मली व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई एनी सेट ऑफ डेटा टाइप एंड इट्स आइडेंटिफायर, योर इंटरप्रेटर पाइथन इंटरप्रेटर विल डिटेक्ट इट ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पार्ट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, तो ऑपरेटर इज जस्ट लाइक अ सिंबल दैट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन और कंपेरिजन पर्पज। यानी इसके यूजेस देखा जाए तो दो कैटेगरी में बेसिकली डिफाइंड होते हैं, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। बेसिकली यूनरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं, द ऑपरेटर विच हैव मिनिमम वन ऑपरेंड। जैसे कि एग्जाम्पल कोई बता सकता है, एनी वन ऑफ यू, मान्या, मुकुंद, निखिल। जैसे देखो ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस क्या है हमारा, यूनरी ऑपरेटर है। माइनस माइनस, ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा समझ लो, जानना जरूरी है। जैसे मान लो ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर जाए ऑटोमेटिक, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस प्लस। ये प्रीफिक्स वैल्यू है हमारे पास जिसका मीनिंग होता है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ये बताए होंगे सर आप लोगों क्लास में या मैंने ही बताया होगा क्लास में। सेम प्रोसेस में अगर आप निगेटिव करना चाहते हो तो निगेटिव कर सकते हो, और या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है ए प्लस इक्वल टू 1, इसका मीनिंग भी वही होता है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू इंक्रीमेंट विथ 1 नंबर। तो ये ऑपरेटर हमारे पास दो तरीके के हैं, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर के नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बताया गया है, जैसे कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर जिसको कि मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट जो पढ़ा होगा आपने। देन आफ्टर आपने पढ़ा होगा रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको कहते हैं हम लोग, जिसमें हमारा यूज होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू होता है। ठीक है, तो दीज आर कम्स इनसाइड द ऑपरेटर्स, ये सब चीजें आपने पढ़ रखा है पहले से। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनी वन ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स। मैं सिर्फ ब्रीफ कर दे रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर सको अपने आप को। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज सेपरेटर। बेसिकली सेपरेटर भी जस्ट लाइक अ सिंबल ही होता है, बट इट इज यूज टू सेपरेट सम सेट ऑफ डेटा। अब जैसे मान लो कि मुझे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करनी है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है,
तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक से ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट मींस हम लोग ये आइडेंटिफाई करा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर कि दीज आर द वेरिएबल दैट विल हैव सम वैल्यू इन द अपकमिंग प्रोग्राम लाइंस। ठीक है, तो यहाँ कॉमा जो यूज कर रहे हैं, ये कॉमा क्या है, कॉमा इज जस्ट अ सेपरेटर हियर। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ सेपरेटर यूज करते हैं, कॉमा हो गया, देन आफ्टर आपके पास ये पाइपलाइन हो गया, ये भी सिंबल सेपरेटर का ही काम करता है, देन आफ्टर है आपके पास ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, देन आफ्टर मिडिल ब्रैकेट, देन आफ्टर बिग ब्रैकेट, ये सारे के सारे अपने आप में एक सेपरेटर है जिसका स्पेसिफिक यूज है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा बेसिक है, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ये नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ना है स्टेटमेंट इन पाइथन, जिसमें आपको पढ़ना है इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट, सॉरी क्या लिख रहा हूं, आउटपुट स्टेटमेंट, एंड देन आफ्टर होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो दीज थ्री आर द बेसिक स्टेटमेंट दैट वी फाउंड व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद द कंप्यूटर लैंग्वेजेस लाइक पाइथन। अब बात करते हैं अगर इनपुट स्टेटमेंट की, तो इनपुट स्टेटमेंट के लिए हम लोग पाइथन में क्या करते हैं, कौन बताएगा, निखिल, जितेंद्र, विकास, जल्दी बोलो, प्रेरणा, इन फंक्शन, चलो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन बेसिकली यहाँ पे स्पेशलाइज है टू गेट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रहा हूँ इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, लेकिन ये इनपुट कैसा होगा, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ इनपुट। तो यूजर तो कुछ भी इनपुट कर सकता है, मान लो मैं देता हूँ प्लीज इंटर अ नंबर या प्लीज इंटर योर नेम, अगर मान लो प्लीज इंटर योर नेम में अगर आप डेट ऑफ बर्थ इनपुट करा दो तब तो वो रॉन्ग इनपुट हो जाएगा। तो वैसे सेंस में इनपुट स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं टाइप कास्टिंग भी, ये बुक में दिया होगा आप देखोगे। बेसिकली पाइथन में टाइप कास्टिंग करना काफी ज्यादा आसान है, उसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी डेटा टाइप के साथ काम करना है, जो ऊपर मैंने बताया था डेटा टाइप इंट पैर फ्लोट वगैरह वगैरह यहाँ पे इस पार्ट में, ठीक है, तो आपको सिर्फ उसका नाम याद रखना है कि कौन से डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर करानी है। मान लो अगर आपको इंटीजर स्टोर करानी है तो आपको लिखना होता है इंट एंड देन आफ्टर इसके अंदर आप लिख दो इनपुट, इसका मतलब हो गया प्लीज एंटर अ नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इट विल गेट अ वैल्यू इन इंटीजर फॉर्म ऑनली। सेम प्रोसेस में अगर आपको यहाँ पे कैरेक्टर चाहिए तो कैर लिखिए, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए तो फ्लोट लिखिए, फ्लोट के साथ इनपुट दीजिए, तो ये टाइपकास्ट कर देगा करेंट वैल्यू को उस पार्टिकुलर डेटा टाइप में। ये हमेशा इनपुट के साथ यूज करते हैं हम लोग और पाइथन में ये मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को तो रेज हैंड कर लो आप लोग, क्योंकि पेज बदलूंगा। गुड, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में हम लोग क्या यूज करते हैं, वी आर एक्चुअली यूजिंग प्रिंट, प्रिंट प्रिंट एज अ मेथड और फंक्शन टू आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द स्क्रीन, आउटपुट ऑफ द डेटा दैट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड ओवर द स्क्रीन और कंसोल। इसको कंसोल आउटपुट भी बोलते हैं हम लोग। कंसोल का मतलब क्या होता है, एनी वन ऑफ यू, छवि बतानी बताओ आप, छवि, चलो कोई भी बोलो जो आप म्यूट हो सकते हो। उत्तम सर, इसके पहले वाला पेज दिखाइए ना एक बार सर। देख लिया सर, जो मॉनिटर और कीबोर्ड। हाँ मानिया बोलो,
मॉनिटर और कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन उसी को कंसोल बोलते हैं। उसको कंसोल बोलते हैं। मैं हार्डवेयर की बात कह रहा हूँ ना कि सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। कंसोल का मतलब होता है आपका यहाँ पे कीबोर्ड एज वेल एज आपका स्क्रीन, ठीक है। एक VDI के फॉर्म में हो गया जो विजुअल डिस्प्ले के लिए काम में आता है और एक इनपुट के काम में आता है। तो कीबोर्ड भी अपने आप में एक कंसोल है और आज के डे में तो हमारा मल्टी लेवल होता है। दैट मीन्स आपका स्क्रीन पे ही टच स्क्रीन अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो कंसोल दोनों फॉर्म में काम आता है, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। ठीक है विजय, नोट कर लिया? चलो मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कंसोल, दैट इज द प्रिंट। इसका यूज आप पहले से जानते होंगे। सिंपली आपको इसको यूज करने के लिए सिंपली लिखना पड़ता है प्रिंट। अगर कोई मैसेज पास करना है तो डबल कोटेशन मार्क में आप लिख दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल है तो आप इस तरीके से कॉमा देकर यूज करते हो, या फिर सेपरेटर यूज करना है तो आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका यूजेज है। तो खैर आउटपुट स्टेटमेंट में कुछ खास ज्यादा है नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट को मूव करेंगे जो अभी यहाँ पे नहीं है। प्लस टू में जाओगे जब आप तो आपको और भी चीजें यहाँ जाननी पड़ेगी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की, जो मैंने भी जस्ट प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। तो कंट्रोल स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो ये कितने कैटेगरी का होता है, जल्दी बोलो आप लोग बॉयज एंड गर्ल्स। टू कौन कौन? सिक्वेंशियल एंड कंडीशनल। सिक्वेंशियल ही कंडीशनल होता है। इटरेटिव iterative और looping, ये वर्ड कंफ्यूज कभी मत करना, ठीक है। कंडीशनल हो या sequential हो, both are same. That means इसका meaning क्या होता है कि in this set of statement expressions are tested first and after that body of the control statement will execute next. यानी पहले ये expression को test करता है and उसके according respond करता है। जैसे कि if, else, if, ये हमारा क्या है, सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट है या कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसके थ्रू कि आप किसी सेट ऑफ एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करते हो और उसके अकॉर्डिंग रैक्ट करते हो। जैसे मान लो ए इज इक्वल टू वैल्यू है कुछ, मान लो 10 वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इफ ए परसेंट टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू पार्ट में आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करा दो कि इट इज इवन नंबर। कितना आसान है। एल्स अगर मान लो सिंपली इफ का इस्तेमाल करना है सिर्फ इवन नंबर के लिए तो दैट इज एनफ, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यू हैव टू पुट द वैल्यू इज इट इज आइदर ऑड नंबर और इवन नंबर, तो आपको एल्स में भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे आके आपको प्रिंट करना पड़ेगा कि ये कैसा नंबर है, तो ऑड नंबर है। अगर मान लो अगर मल्टी लेवल पे कोई डेटा आपको यूज करना है, जैसे कि परसेंटेज चेक करना है, तो वैसे सेंस में आपको यहाँ पे कोई मान लो वेरिएबल है पर परसेंटेज, इसमें क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता, बट आई वांटेड टू चेक इट कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, अगर ये 60 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है, तो क्या करो आप यहाँ पे चेक करा दो कि प्रिंट करा दो कि ये हमारा फर्स्ट डिविजन है, ठीक है। और अब यहाँ पे मान लो कि मुझे सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन भी आपको देखना है, जिसको ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी भी कह सकते हो, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा एल्स इफ या इलिफ, ये दोनों चलेगा। इफ परसेंटेज इज लेस देन 39.99 और परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उल्टा कर दिया क्या मैंने, ग्रेटर देन यूज करना मुझे पहले, चलो ग्रेटर देन देन आफ्टर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 39.99 एंड द परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू
59.99. तो ऐसे सेंस में जो वैल्यू हमारा आएगा वो कैसा होगा, वो होगा सेकेंड डिवीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना होगा कि प्रिंट सेकेंड डिवीजन, ठीक है। अब इसी सेंस में अगर मान लो कि कोई वैल्यू आ जाता है कि ये लेस देन 39 हो गया, ठीक है, तो वैसे सेंस में कहाँ जाएगा वो, तो बाय डिफॉल्ट वो थर्ड डिवीजन में जाएगा। तो उसको आप यहाँ प्रिंट कर सकते हो थर्ड डिवीजन। और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि किसी भी प्रोग्राम को मिनिमम 10 तरीके से बनाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो मे बी आप समझ में आ गया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट में, यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि एक सेकेंड मेरा, जब ये पार्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और ये सिक्वेंशियली वर्क करता है। कैसे, सबसे पहले ए का वैल्यू सेट किया, एक्सप्रेशन चेक किया कि इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो इवन नंबर प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स है तो ऑड नंबर प्रिंट करेगा, लेकिन ये फिर से रीटेस्ट नहीं कर सकता है। सेम प्रोसेस, सेम प्रॉब्लम आपका इफ एल्स के साथ भी होता है कि जब भी आप कोई वैल्यू यहाँ पास करते हो परसेंटेज के लिए या कोई वेरिएबल हो, तो वो उससे रिलेटेड वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मुझे ये सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट सारे स्टूडेंट पे अप्लाई करने हैं, मान लो मेरे क्लास में यहाँ पे 200 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 200 स्टूडेंट को मुझे अगर चेक करना है सेम नंबर सेम परसेंटेज के लिए, तो इतने लाइन ऑफ कोड 200 टाइम लिखने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे मूव करेंगे अपने आप को इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट की ओर, क्लियर है। अब इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है जल्दी बताओ जी, लक्ष्मी सर, टू रिपीट द स्टेटमेंट गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ इटरेटिव स्टेटमेंट, एनी वन ऑफ यू, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ इटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट। एक लूपिंग स्टेटमेंट में कितने पार्ट होते हैं, जैसे नेस्टेड, बोलो 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 कितने पार्ट होते हैं, मैं पार्ट पूछ रहा हूँ, क्लासिफिकेशन नहीं पूछ रहा हूँ। नेस्टेड तो दोनों हो सकते हैं, सिक्वेंशियल भी हो सकता है, इटरेटिव भी हो सकता है। जल्दी, चलो कोई बात नहीं। तो नॉर्मली अगर हम इटरेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो वी हैव ओनली 3 बेसिक पार्ट, ऑलवेज याद रखोगे, इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये 3 मेजर पार्ट होते हैं। यानी कभी भी अगर आप कोई इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट यानी कि लूपिंग का यूज कर रहे हो तो उसमें 3 बॉडी पार्ट होंगे उसके, इनिशियलाइजेशन होगा उसका, एक्सप्रेशन टेस्टिंग होगा एंड उसके अकॉर्डिंग लूपिंग होगा, चाहे वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीमेंट ऑर्डर में हो, क्लियर है। मैं इसको जरा सा इरेज करता हूँ, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि मुझे मान लो कि एक प्रोग्राम शो करना है जिसमें कि वैल्यू कुछ इस तरीके से आने चाहिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे कितने लोग बना सकते हैं उसको, रेज हैंड करना कॉन्फिडेंट होके। एनी वन ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स, एक भी नहीं, बुरा हाल है जी तुम लोगों का, लगता है मास्टर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहला क्या करना है, इस लूप के कॉन्सेप्ट को समझ लो। यहाँ पे लूप का कॉन्सेप्ट है इनर लूप और आउटर लूप का, ठीक है। इनर लूप किसको बोलते हैं, जो पार्टिकुलर किसी लूप के अंदर काम करता है, ठीक है, और आउटर लूप हमेशा फॉरवर्ड वे में काम करता है, या फिर चाहे वो हमारा इंक्रीमेंट ऑर्डर में हो या डिक्रीमेंट ऑर्डर में हो, और उसके अकॉर्डिंग इनर लूप काम करता है। तो खैर मैं पहले यहाँ पे बताता हूँ, मैंने एक लगा दिया काउंटर, इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, मान लो फॉर आई इन रेंज
अगर चाहो तो नोट कर लेना इस प्रोग्राम को, ये 6 टाइम चलेगा, ठीक है। और इस 6 टाइम में ये अगला लूप को भी फॉलो कराएगा जो कि हमारा जे है। यहाँ पे आई आउटर लूप है और जे इनर लूप है, इन रेंज 1 to i, यानी किसको फॉलो करेगा, जे, जे फॉलो करेगा आई को। आप खुद देखो, जब आई का वैल्यू 1 है तो जे कितनी बार चल रहा है, 1 टाइम। जब आई का वैल्यू 2 है तो कितनी बार चल रहा है, 2 टाइम। जब आई का वैल्यू 3 है तो चल रहा है 3 टाइम, 4 है तो 4 टाइम, 5 है तो 5 टाइम। इस तरीके से ये इस ऑर्डर में काम कर रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है, मुझे सिर्फ इसको प्रिंट करा देना है कि प्रिंट कर दो इसको, इसमें प्रिंट कर दो आप काउंट को। लेकिन ये काउंट हमारा काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जस्ट बताता हूँ। इन इक्वल टू दिस वन, ये दे दो इसमें, एंड जब ये ब्रेक करेगा तो इसमें कैरीज रिटर्न करना होता है स्लैश आर। आप स्लैश एन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो एक डिफरेंट लाइन यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे जो काउंटर है हमारे पास, इस काउंटर को स्पेशली यूज करने के लिए आपको यहाँ पे इस काउंटर को इंक्रीमेंट कराना होगा जब भी ये इनर या आउटर लूप को एग्जीक्यूट करता है। तो देखो, काउंट इज इक्वल टू, या फिर काउंट प्लस प्लस कर सकते हो डायरेक्टली, ये भी काम आएगा। या फिर आप लिख सकते हो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो ये आपका आउटपुट डिस्प्ले कराएगा ऊपर वाला। टाइम है हम लोग के पास, 6 मिनट है, बहुत टाइम है। मैं इसको रियल टाइम में करके दिखा देता हूँ ऑन द स्क्रीन, तो ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। ये रहा बोर्ड, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो बेहिचक। कहा गया जी पाइथन आईडीएली, यहाँ पे होल्ड करोगे, खुल रहा, आ गया। फाइल में जाके न्यू किया एंड कोड को सीधा पेस्ट कर दिया, मैं कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहता, जो लिखा है मुझे उसका आउटपुट चाहिए। डेस्कटॉप पे सेव कर दो, इसका नाम दे दो टेस्ट 51, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है आईडीओडी के अंदर, वो ऑटो डिटेक्ट हो जाता है। देखो यहाँ test51.py ऑटोमेटिक बन गया, मैंने ये प्रोग्राम लिख दिया आपके सामने। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करा के चेक करना है कि ये क्या एक्चुअल हमारा प्रोग्राम रन करता है या नहीं करता है। सेव किया फाइल को एंड रन किया, ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ये ज्यादा आगे चला गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, एंटर की प्रेस करके, देखो ये ज्यादा आगे चला गया बेटा। इसको आप इसको अरेंज कर दो ऐसे। तो यहाँ आइडियली का बेनिफिट है कि ये ऑटोमेटिक आपके डेटा को आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसका इंडेंट लेवल आगे पीछे तो नहीं है, ठीक है। मैं इसको रन करा दिया, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो आउटपुट आ रहा है आउट ऑफ बाउंड आ रहा है, आ रहा है, जरूर आ रहा है, एक सेकेंड, होल्ड ऑन, अब सही होना चाहिए, क्योंकि पाइथन हमारा इंडेंट बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हर एक कोड आपका इंडेंट मैनेज कराना होगा आपको, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। चलो सेव कर दिया एंड रन इट, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है नाउ, हियर इज द आउटपुट, वही लिखा था जो प्रोग्राम में था। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कंप्यूटर में भी आप इसको टेस्ट करके देख लेना, ये आपका सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे पास पाइथन का जो करेंट वर्जन है 3.8.4 है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो रेज हैंड कर लो आप लोग, डू इट फास्ट, वी हैव ओनली 3 मिनट। बेसिकली मैं आपको आज रिवीजन नहीं कराया हूं, सिर्फ आपको बता दिया ये सब चीजें पॉइंट्स पे। अब इसके अलावा क्या और टॉपिक होगी जो आपके एग्जामिनेशन में आएगी वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। इसके अलावा आपका डेटा स्ट्रक्चर आएगा, डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये मेजर पार्ट है। इसमें ज्यादा फोकस करना आप लोग लिस्ट की ओर और डिक्शनरी की ओर, ठीक है, ये ज्यादा मेजर पार्ट है। टपल में एक आध क्वेश्चन मे भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। इसके अलावा आपको मैंने पढ़ाया है डेटाबेस, जिसमें स्पेशली आपको पढ़ना है MySQL,
MySQL में जो भी चीजें आपको बताई गई है जैसे DDL, DML एंड PCL, PCL को आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, ओनली DDL एंड DML इज रिक्वायर्ड। चलो कोई भी यहाँ पे उत्तम, छवि, सौम्या या जो भी मुझे दिख रहे हैं, DDL कमांड्स के नेम बता दो एंड दैट इज द लास्ट वन, बाकी हम नेक्स्ट डे बताएंगे आपको। एनी वन ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स, रिया आप बता दो, What are the command that we use in DDL and DML? Jaldi. Uttam. In DDL we modify the table. अरे पूरा तो बोलो, ऐसे करते जैसे तुमको पार्टी में जाना है, जल्दी बोलो, आराम से बोलो, एक एक करके बताओ। In DDL we modify the table. अरे कमांड की पूछ रहा हूँ भाई, कौन कौन से कमांड यूज करते हैं इसके अंदर, डीडीएल के अंदर कौन कौन कमांड आता है, एग्जांपल दे देता हूँ, क्रिएट कमांड, इसके अलावा हेलो ऐड, ऐड, वाह वेरी गुड, कौन पढ़ा दिया तुमको ये सब चीजें, ड्रॉप, ड्रॉप, अल्टर, कमेंट, क्रिएट, अल्टर, ठीक है, मॉडिफाई जिसमें आपने पढ़ा होगा, एंड देन आफ्टर एक टर्म होता है आपके पास सेलेक्ट, जो दोनों में यूज होता है, ठीक है, चाहे आप डीडीएल में यूज करना चाहो उसको, तो डीडीएल में भी यूज करेगा या फिर डीएमएल में भी। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल कीवर्ड्स भी है जैसे कि यूज कमांड, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, टू चेंज फ्रॉम द वन डेटाबेस टू अनदर डेटाबेस, सो कमांड दैट इज यूज टू सो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल और डेटाबेसेस, ये काम है आपके पास कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज कॉल्ड ट्रंकेट, डिलीट, एनी वन ऑफ यू कोई बता सकते हो, लास्ट वन मिनट है, कोई नहीं मैं नेक्स्ट डे इसको पढ़ दूंगा। ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंसेस है, इसको आप चैट बॉक्स में लिख करके मुझे व्हाट्सएप करोगे, सभी को बोल रहा हूँ, बाकी बाद में बताएंगे, ओके, बाहर आ जाओ।